तौफीक अता फरमाया, आमीन। अरसा दराज से कभी नमाज रोजा की पाबंदी न की, दुनियादारी की तरफ रहा और अब अल्लाह की कर नवाजी से पांच वक्त बाद कैदगी से नमाज बाजमाल पटो अब तक जो कमाता हूँ वो लिए हुए कर्जे पर मुनाफे दे देता हूँ और कर्जा अपनी जगह पर है बल्कि बढ़ रहा है, कर्जे की वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। बरा करम मेरे लिए खुशी दुआ करे, अल्लाह मुझे जल्द कर्ज से निजात दे। मेरे अजीज, आप कर्जे से जल्दी निजात पाएंगे जब आप घर में जाए तो कहें अस्सलामु अलैकुम, फिर उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें। आप अगर गए हैं ऐसे कमरे में जिसके अंदर कोई आदमी नहीं था, आप पढ़ें अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, ये पढ़ने के बाद कुल शरीफ पढ़ लें। चंद दिन ये करें, देखिए कैसा आपका कर्जा जाता है। और ज़ुहर की नमाज के बाद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व बारिक वसल्लम, इसको आप पढ़ें। इस दरूद को मैंने लिखा हुआ है, जो इसको पढ़ेगा अल्लाह के फज़ल व करम से, खुदा की करम निवारी से उसका कर्जा उतर जाएगा।